अरे भैया ही रोडवा पर हम लोग बैठते थे, देखते थे यहाँ लोहेड़ा लोग गाड़ी गाड़ी के पीछे लड़की के चलन। अच्छा। एक से कांड होके, एक से बात होके, तो अभी हत्या नहीं हो रही उत्तर प्रदेश? वो खूब हत्या होके यहाँ पर जितना मानल जानल पुरान ठाकुर होकन चाहे वही रोकन केहू होके ठोका गई लन। पाकिस्तान का मतलब सुनिए, यहाँ पर जो हकीकत मुस्लिम के आगे के हिंदी बोलने भर शक्ति ना रहती हो जान लीजिए। मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज। मैं इस समय चाय की दुकान पे हूं। हमारे साथ हैं सात भाजपा के नेता। नेता हम लोग नहीं भैया, क्या हैं हम लोग? बस एक आम जनता। हम लोग कहाँ वोट पड़ेगा? हम लोग भाजपा को वोट देने वाले। तो इस पहले तो मैं बोला भाजपा नेता, नेता मत कहिए, समाज सेवा। बस समाज सेवा ना यहाँ। भाजपा को, भाजपा को क्यों वोट दें? उनको काम देख करके हम वोट देते हैं। बहुत से काम किए हैं, चार पांच काम किए हम बता रहे हैं। 370 हटाए। अच्छा। मियां लोग का जो रहे भाई, उन लोगों का भी जो था हलाला मलाला वो कुल खत्म किए। अच्छा। उसके बाद में जितना सड़क आप देख रहे हैं, एक से एक जो देख रहे हैं, सब इन लोग के देन है। दूसरी बात कि विदेश नीति मोदी जी का जो है, न कोई मोदी बनेगा न हो पाएगा। और एयरपोर्ट से लेकर के चाहे कोनो भी काम हो के, आज यदि आज योगी मोदी नहीं होते तो आज उत्तर प्रदेश पाकिस्तान के नौबत पर हो जाता है। ये पाकिस्तान कहाँ से है? तो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान है लेकिन पाकिस्तान बना लोग देते आतंक से। यानी जब योगी जी की सरकार नहीं थी तो उत्तर प्रदेश नहीं? अरे भैया ही रोडवा पर हम लोग बैठते थे, देखते थे यहाँ लोहेड़ा लोग गाड़ी गाड़ी के पीछे लड़की के चलन। अच्छा। एक से कांड होके, एक से बात होके, तो अभी हत्या नहीं हो रही उत्तर प्रदेश? वो खूब हत्या होके यहाँ पर जितना मानल जानल पुरान ठाकुर होकन चाहे वही रोकन केहू होके ठोका गई लन निकल। अच्छा। हाँ ठोका गए हो बाबू। ठीक है, अभी अभी नाम ले रहे हैं पाकिस्तान की बात। हाँ तो हम बात करेंगे पाकिस्तान का मतलब सुनिए, यहाँ पर जो हकीकत मुस्लिम के आगे के हिंदी बोलने भर शक्ति ना रही थी हो जान लीजिए। कहाँ से आप ला दिए? हम ला दिए इसलिए ला दिए हैं कि जो व्यवस्था यहाँ की चल रही थी गाजीपुर में छिनैती डकैती जितना मुसलमान रही है तो छिनैती डकैती करें खुद घूम घूम के। अब नहीं हो रहा है? अब कहीं कुछ नहीं, पेपर नहीं पढ़ते हैं यार। खूब देखते हैं कि अरे कहीं एक आदमी हो जाए तो वो व्यवस्था हो जाती है। कब व्यवस्था हो जाए? व्यवस्था जो होगी कर देते हुआ तुरंत हो ना जाए। ठीक है, अभी महंगाई पर आपका क्या ख्याल है? महंगाई पर ये बताइए, टट्टी करे जात हुआ तो गाड़ी से जात हुआ? क्या गाड़ी से जात जे के बताओ गाड़ी है सुना? इधर से 1 लाख टट्टी करे जेबा तो गाड़ी से जेबा? पैदल सुना, पैदल सुना, पैदल चले को है तो पैदल से ना जेबा कि हम आखिर में जेबा तो पैसा लागी ना गाड़िया में तेलवा में। ठीक है, लेकिन गाड़ी कितना महंगा हो जाए? कितना महंगा ही बटे गाड़ी कितना महंगा हुआ बताइए? हैं गाड़ी कितना महंगा हुआ? कितना महंगा हो गया तो आप क्यों लेते हैं खरीदते हैं? पैसा महंगाई जब बढ़ा है तो पैसा बढ़ा है, पैसा बढ़ा है तो बेरोजगार है लोग, वही बेरोजगार है। आप बेरोजगार हैं? बेरोजगार युवा हैं हम, हर पेपर लीक हो जा रहा है उत्तर प्रदेश में। सुनिए, जब जितना पुरान का चोर अभी बैठल हुआ देश में, 7 साल में सुनिए, जितना पुरान का बैठल हुआ अभी काम हुआ छोड़ लेना हुआ, अब काम छोड़ रहे लन। आज जब वे ठोका था जब पकड़ा था तो उनके बाद समझ में आवा था। हाँ तब समझ में आवा था। यूपी का लड़का जाके बिहार में नौकरी ले, ये बताइए बिहार के तो उत्तर प्रदेश में नौकरी ले सके ना? उत्तर प्रदेश के बिहार में लोग नौकरी है ना, बिहार में जा रहे हैं लोग। अरे वैकेंसी खुलेगी तो लोग जाएंगे, तो एक मतलब यहाँ वैकेंसी ना आना, पेपर लीक हो जा रहा है। भारत के अंतर्गत में है तो कहीं भी लड़के जा करके देंगे वो। यानी आपका कहने का मतलब कि पेपर लीक होता रहे लोग बिहार? अरे पेपर लीक तो आखिर में योगी जी ऐसे थे कि उसको तुरंत खारिज किए, पेपर होगा, पेपर लीक क्यों हो रहा है? तो कोनो चुतिया बैठल हो यही में कोनो करे वाला धरे वाला तक, अब तक बाबा जी पता ना लगा पाऊंगा। चुतिया पता लगा तबे 3 जना गलवाना जेल में चार जाना, तो हर पेपर वा कहां लिख हो जाए? तो बात यहां से पेपर भरवा दे तो पैसा जमा करा तबे तो गलवाना जेल में यार लड़का के उतर पर जमा कर रहे हैं। ये पहले ही करवा ला आदमी, तो और 6-7 साल और चाहिए बाबा के समय? हैं बाबा तो भाई 15-15 3 इलेक्शन तो के पूछबे माने के उनके के नामे मत लेके 27 तक 27 मत कह 40 तक। अच्छा 40 तक बाबा हिले वाला ना हुआ उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश से भारत का प्रधानमंत्री भी बनेंगे अगला। हाँ पूरा उम्मीद के साथ, एकदम उम्मीद के साथ। यहाँ से कौन जीतेगा? तो बलिया लोकसभा तक एक बात सुन लीजिए, हम लोग जितने लोग हैं यहाँ पर हम विश्वास करते हैं सब कमल के फूल पर वोट देने वाले हैं। अच्छा। आज यदि एम्मा से एक आध दू गो इधर भाग जाए तो अलग चीज बांटे। अच्छा। हाँ आप समझ लीजिए इतना समूह बांटे तो अब आगे आंकड़ा लगा लें कि का यहाँ पोजिशन होगा।
ये जो इंडिया गठबंधन बना है वो मतलब गठबंधन लठमंडल के बाद छोड़िए, खत्म खेला है वो, खत्म खेला है। क्यों? ये लिए कि जितना जितना जन चोर बनन अपना के बचे खातिर गठबंधन कैले हुआ नेता सुना उन नेता हुआ कि हम बच जाए, हम जहाँ पलटी सुधर के हमारे मोदी जी तो ईडी सीबीआई की जांच। अरे यार ये बताइए, आप चोर नहीं रहेंगे तो आप क्यों डरेंगे? यानी सभी चोर जे जे चोर बा पकड़ात बा सीधे उनका जांच होत बाटे सीधे जाता हूँ। इतना जल्दी फैसला? अरे सरकार की यही चाहिए कि तुरंत पकड़ा, तुरंत फैसला दो। ठीक है, लेकिन कुछ नेता ऐसा है लोग जो है दूसरे पार्टी में, जैसे जांच चोर भाग के भाजपा में जा रहा हो तुरंत जांच खत्म। एक बात सुन लीजिए, जो जान लाए को पार्टी भ्रष्ट हो चुकी है, अच्छा कि हमारा गुजारा नहीं होगा, सुन लीजिए, वो नेता अपन इज्जत बचावे खातिर भाजपा पकड़ लेता है। जांच हो रहा है वही भाग जा रहा है भाजपा में, वॉशिंग मशीन हो गई है भाजपा। अच्छा सुना महाराज, तना जहाँ एक बात बताइए, आप बाहुबली हो जाएंगे, आपके पास शक्ति है, एक गरीब को बरियाई से दरवाजा खोल करके जमीन लूट लेबा, सुन ले, दरवाजा खोल करके मुकदमा लड़वा शक्ति नहीं के, आ मजबूरन तो से वो भाग जाए या बंद हो जाए चुपचाप पटा जाए, वो हड़प लेला आए ओकर पड़ी, आज आज निकले चाहे कल निकले उनके पर पड़ी, आ जब उनके पर पड़ी तो आया आया चिले हन कि हम का कैली का कैली का कैली, जो कैले तोरे आगे आयल बा, जो कैला तोरे आगे आवता, अब ओके ओके तू समझा। यानी जो भाजपा में भाग के जाएगा वो सही हो जाएगा? कोई सही नहीं होगा। देखिए आप सुनिए बाबू, आज योगी बात, अपना नाम बताइए सर। मैं सौरभ प्रताप सिंह। आपकी क्या राय है लोकसभा चुनाव के लेकर? लोकसभा चुनाव में चूँकि जनता की राय जो है वो भी हम लोग की भी राय है, कहीं ना कहीं बातें यहाँ से कमल का फूल जीतेगा निश्चित। तभी तो कैंडिडेट यहाँ से शायद घोषित हुआ नहीं जी, तो कोई भी आए चलेगा, कोई भी कैंडिडेट आएगा, समीकरण भी कुछ ऐसा है और कुछ मोदी जी का जो काम है, कुछ योजनाएं जो अच्छी अच्छी योजनाएं आई हैं उस पर लोगों ने ध्यान देकर। तो जो विपक्ष चिल्ला रहा है महंगाई महंगाई, वो महंगाई नहीं है, महंगाई सुविधा के अनुसार लोग सुविधा भी खोज रहे हैं और महंगाई भी खोजेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेंगे तो आय कम और खर्च अधिक होगा। मैं अपने खर्च में अगर आय के अंदर ही अपने खर्च को चलाऊँ तो कोई महंगाई नहीं है, लेकिन मेरी क्षमता है, मैं अगर 10,000 की नौकरी करता हूं और मैं स्कॉर्पियो से चलने का सोचूंगा तो भाई वो तो खर्च। लखनऊ में जो लड़के गए तो उस पर लाठी चार्ज, उस पर क्या करेंगे भाई साहब? हम लोग भी कहीं ना कहीं विपक्ष के सरकारों में लखनऊ गए हैं और लाठियां खा के आए हैं, यानी वो भी मार रहा है, मार रहा है। नहीं नहीं, अगर शांति ढंग से जो भी प्रदर्शन होता रहा है उसमें अगर लाठी चलती है तो वो अन्याय है, लेकिन अगर उग्र होकर प्रदर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था को बनाने के लिए लाठी जरूर, लाठी रोकना जरूरी है। तो लाठी चला था वहाँ पे ना पूरा, हम लोग तो शांति ढंग से प्रदर्शन किए हैं और लाठियाँ खाए हैं, वहाँ तो उग्र लोग थे, लग रहा था कि आग लगा देंगे। बाबा के करीब है उनका तो घर बच जाता है, जो दूर है उनका घर गिर जाता है। कौन बाबा के करीब है जिसका घर बच गया और कौन बाबा के दूर है जिसका घर गया? नहीं बताइए, एक कोई एक नाम तो खुद पता, कोई एक नाम बताइए ना, अच्छी तरह का कोई एक नाम बताइए। बाबा का सीधा सा एक अल्टीमेटम था, जब सरकार बनी उन्होंने कहा कि अपराधियों या तो प्रदेश छोड़ दो, नहीं तो जेल पकड़ लो, और नहीं तो अपना कारोबार बंद कर दो। ठीक है, बाबा जी खुद ऐसे मुख्यमंत्री का अपना मुकदमा खुद वापस लिए थे, इस पर क्या कहेंगे? कौन सा मुकदमा आपको नहीं मालूम? आपराधिक मुकदमा कौन था? वो राजनैतिक मुकदमा था, लेकिन अपना मुकदमा खुद वापस लिए। राजनैतिक मुकदमा हर मुख्यमंत्री के पास ये पावर होता है कि अपने कार्यकर्ता, नहीं सुनिए सुनिए, अपने कार्यकर्ता और अपने ऊपर जो फर्जी तरीके से विपक्ष द्वारा लगाया गया था मुकदमा, करेगा ना कि फर्जी है कि असली है कि नकली है, उसमें एक विशेषाधिकार होता है मुख्यमंत्री के पास, अपनी मर्जी से मुकदमा उसमें, और बाइज्जत बरी हो जाएगी। बाइज्जत बरी कहाँ हो गए? जब फर्जी मुकदमा रहेगा और राजनीतिक मुकदमा मैं जनता के लिए यहाँ पे लड़ूंगा और इस पर मेरे ऊपर विपक्ष द्वारा मुकदमा होगा तो मेरी सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं मुझे भी उसका लाभ मिलेगा। मतलब जो भी किया था अच्छा, फर्जी मुकदमा था वो, जज साहब वही हो गया एकदम। अरे जज क्या, वो उनके पास एक विशेषाधिकार है उस चीज का, अगर आपको नॉलेज होगी तो उसको जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री के पास भी विशेषाधिकार है। चलिए ठीक है, तो आने वाला समय बताएगा, जब सरकार बदलेगी तो शायद वही पार्टी वही काम करेगी। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा, ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज चैनल देखते रहिए।